नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है। ओके, और इसके अंदर टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 275 मतलब 275 पोस्ट इसके अंदर परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। तो इसकी पूरी डिटेल से बात करते हैं। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ओके, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको हर वो नोटिफिकेशंस मिलता है जो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और इसके अंदर जो आपका एम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ एम्स की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ओके, कोई भी आपका चार्ज इसमें नहीं लिया लेने वाले हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी की बता दी है, 275 पोस्ट है। और इसके अंदर नेक्स्ट अगर बात करें कि जो KPSC कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ओके अनाउंस किए हुए कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से 275 वैकेंट पोजीशन है, तो इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस होने वाले, सारे डिटेल से बात करेंगे। तो वैकेंसी की अगर डिटेल की बात करें और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो इसमें अगर बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोफेसर की इसके अंदर 16 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर प्रोफेसर की बात करें तो 50 पोस्ट है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 110 पोस्ट है जिसमें BAMS, BHMS और BUMS कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। लास्ट इसमें बात करें स्टाफ नर्स की, तो इसके अंदर 23 स्टाफ नर्स की पोस्ट है ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट इसके अंदर 76 पोस्ट है ओके, जिसमें बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 275 जो कि परमानेंट वैकेंसी है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन या एज लिमिट का क्या प्रोसेस है ओके, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 35 ईयर इसके अंदर होने वाली है। नेक्स्ट पे स्केल की अगर बात करें तो 28,000 से 57,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है ओके, बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसके अंदर रिटर्न एग्ज़ाम होगा और जो इंटरव्यू इसमें दिया गया इससे इसकी जगह इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है ओके। स्किल टेस्ट के आधार पर इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना, तो फॉर्म को फ्रेंड्स ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जो KPSC की वेबसाइट है इसके अंदर आपको जाना है ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वेरियस पोस्ट है उसके अंदर जाना है और आपको न्यू यूज़र्स या रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको क्लिक करना है ओके। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, उस पर आपको इसकी डिटेल फॉर्म के अंदर फिलअप कर देनी है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अपलोड कर देना है। और जो फीस दी गई है वो आपको उसमें पेमेंट कर देना है। फाइनली उसको सबमिट करके आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसके अंदर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस 35 रुपीज़, OBC के लिए 300 प्लस 35 रुपीज़, एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए 50 रुपीज़ प्लस 35 रुपीज़ ओके। और ST SC और PH जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें फीस नहीं रखी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट SC ST और PH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन 12 अगस्त 2020 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 14 सितंबर 2020 ओके। तो अगर फ्रेंड्स इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में अगर कोई आपको और भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो तो आप इसकी जो मेन वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसकी पूरी जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप इसमें जान सकते हो ओके। और इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है सारी डिटेल आप उसमें पढ़ सकते हो, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ओके। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया, फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ओके। फ्रेंड्स, धन्यवाद।